वेलकम टू क्रिप पॉइंट अवेयरनेस चैनल। मेरा नाम सैयद है। आज मैं आपके साथ टेलोस के बारे में बुनियादी बातें डिस्कस करना चाहता हूं। टेलोस क्या है? टेलोस एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है। ये एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। ऑफ कोर्स ये ईओएस की फोर्क है। EOS के इकोसिस्टम में ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि उसकी मल्टीपल मेन नेट्स होंगे, तो आप टेलोस को एक इंडिपेंडेंट मेन नेट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो EOS की हैं उसमें से अच्छी प्रॉपर्टीज टेलोस भी इनहेरिट करेगा, लेकिन टेलोस EOS की इम्प्रूवमेंट है। मैंने कुछ दूसरी वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश में जिसमें मैंने उन इम्प्रूवमेंट्स को डिस्कस किया है। क्या टेलोस एक एयरड्रॉप है? टेक्निकली आप टेलोस को एक एयरड्रॉप नहीं कह सकते क्योंकि टेलोस एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है, लेकिन हाँ यस, अगर आप ईओएस के टोकन्स होल्ड करते थे जेनेसिस ब्लॉक में जब ईओएस का स्नैपशॉट लिया गया था, तो आपको एक ईओएस के बदले में एक टेलोस टोकन मिलेगा। लेकिन टेलोस ने डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए टोकन्स पर अपर लिमिट लगाई है। अगर आप जेनेसिस ब्लॉक में 40,000 से ज्यादा ईओएस के टोकन होल्ड करते थे, तो आपको टेलोस के जो टोकन्स है वो मैक्सिमम 40,000 मिलेंगे। आप टेलोस के टोकन्स को किस तरह हासिल कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, टेलोस के टोकन्स को आप असेस कर सकेंगे सेम की पेयर्स के साथ जो आपके पास जेनेसिस ब्लॉक में थे, और सेम अकाउंट के साथ जो आपके पास जेनेसिस ब्लॉक में था, सेम की पेयर्स के साथ आप टेलोस के टोकन्स को असेस कर सकेंगे। आपने किसी को भी अपनी प्राइवेट की नहीं देनी। लेकिन अगर आपके टोकन्स एक्सचेंजेस पर थे जब स्नैपशॉट लिया गया था, तो उन टोकन्स के बदले में टेलोस टोकन जो है वो एक्सचेंजेस को ही मिलेंगे। लेकिन आप एक्सचेंजेस से बात कर सकते हैं, और टेलोस फाउंडेशन और टेलोस ब्लॉक प्रोड्यूसर्स भी एक्सचेंजेस से बात कर रहे हैं ताकि कोई प्रोसेस एग्री किया जा सके जिसको यूज करते हुए आप आसानी के साथ एक्सचेंजेस से अपने टेलोस टोकन ले सके। आप भी एक्सचेंजेस से बात कीजिए, इससे आसानी पैदा होगी। कौन से वॉलेट्स टेलोस को सपोर्ट करेंगे? चूंकि टेलोस ईओएस की एक फोर्क है, इसलिए टेक्निकली ये फिजिबल है कि वो सारे वॉलेट्स जो ईओएस को सपोर्ट करते हैं वो टेलोस को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। टेलोस फाउंडेशन और टेलोस फाउंडिंग ब्लॉक प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक लाइटवेट टूल बनाया है जो के वॉलेट मेकर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टेलोस को सपोर्ट करने के लिए। ग्रेमास और स्कैटर के जो डेवलपर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस जारी हैं ताकि वो भी टेलोस को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि उनके लिए ये एक इजी प्रोसेस है। ग्रेमास और स्कैटर ने टेलोस इकोसिस्टम को ऑफिशियली अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके डेवलपर्स के साथ डिस्कशंस जारी हैं और वो अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे टेलोस की इंटीग्रेशन को सपोर्ट करेंगे। क्या टेलोस एक ICO है? ICO जो होता है वो फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। EOS एक ICO था। EOS ने बहुत ज्यादा फंड रेज किया है। टेलोस किसी भी किस्म का कोई भी फंड रेज नहीं कर रहा। टेलोस सिर्फ एक मेन नेट लॉन्च करेगा और आपको टेलोस टोकन्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप टेलोस को ICO नहीं कह सकते। टेलो किसी भी किस्म की फंड रेजिंग नहीं कर रहा, और आपसे भी अगर कोई फंड रेजिंग की डिमांड करे तो आप इनकार कीजिएगा। अगर आप टेलोस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप टेलोस की वेबसाइट को देखिए। आप टेलोस के वाइट पेपर को भी स्टडी कर सकते हैं, और आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। स्वीडन कोरनेट बोथ ईओएस और टेलोस का ब्लॉक प्रोड्यूसर कैंडिडेट है। आप स्वीडन कोरनेट से भी राब्ता कर सकते हैं अगर आप टेलोस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ कि आप टेलोस इकोसिस्टम को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।